सावन के पहले सोमवार में लाडली बहना योजना के लाभार्थी बहनों ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज चौहान की लंबी उम्र की कामना को लेकर असंख्य पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। शिवलिंग का निर्माण प्रदेश उपाध्यक्ष ललिता यादव की पहल पर किया गया। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ललिता यादव ने कहा कि पीएम मोदी ने करोड़ों बहनों को उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर देने का काम किया। काशी में कॉरिडोर बनाकर काशी विश्वनाथ के दर्शन सुगम किए हैं। इसके साथ ही अनेक योजनाएं संचालित कर बहनों की जिंदगी को आसान किया है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हवाई जहाज से बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री चौहान बहनों और बेटियों के लिए तो लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहना सहित अनगिनत योजनाएं शुरू की है। लाडली बहना योजना से प्रदेश की 125,000 बहनों को अपना जीवन स्तर सुधारने में मदद करने का अनूठा काम मुख्यमंत्री ने किया है। इसलिए बहनों ने दोनों नेताओं की लंबी उम्र की कामना करते हुए असंख्य पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। मध्य प्रदेश में 1,35,00,000 बहनों को लाडली लक्ष्मी का रजिस्ट्रेशन हुआ और इतनी बहनों को दूसरी किस्त डालने का काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी की लंबी आयु की कामना के लिए और प्रधानमंत्री जी की लंबी आयु की कामना के लिए हमारी यहाँ पर सभी बहनें पार्थिव शिवलिंग निर्माण और रुद्राभिषेक यहाँ पर सोमवार को सावन के प्रथम दिन सोमवार को किया जा रहा है। सभी बहनें ईश्वर से कामना करती हैं कि मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी लंबी आयु हो और मध्य प्रदेश में वो विकास कर सकें। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।